अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस यूनिट नंबर 11 साउंड एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 11.5 टू 11.9। 11.5 प्रॉब्लम इज अ मरीन सर्वे शिप सेंड्स अ साउंड वेव स्ट्रेट टू द सी बेड। एक सर्टेन डेप्थ तक एक मरीन सर्वे शिप सी में एक साउंड वेव सेंड करती है। इट रिसीव्स एन इको 1.5 सेकेंड्स लेटर। सी में एक सर्टेन पॉइंट तक एक मैरीन सर्वे शिप साउंड वेव सेंड कर रही है और ये साउंड वेव रिफ्लेक्ट होके दोबारा 1.5 सेकेंड्स के बाद रिसीव हो रही है। द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज 1500 मीटर्स पर सेकेंड। साउंड की स्पीड सी वाटर में 1500 मीटर्स पर सेकेंड है। वी हैव टू फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी एट दिस पोजिशन। अगर गिवन डेटा देखें, वी हैव स्पीड ऑफ साउंड 1500 मीटर्स पर सेकेंड, और अगर हम टाइम की बात करें, टाइम इज 1.5 सेकेंड्स। ये वो टाइम है जो कि सी में एक सर्टेन डेप्थ तक साउंड वेव के जाने और फिर वापस आने में लगा है। सो ये वो टोटल टाइम है जो कि शिप से सी बेड तक और फिर सी बेड से शिप तक साउंड वेव को आने में लगा है। हमने सी बेड की डेप्थ फाइंड करनी है। इसके लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। स्पीड हमारे पास है 1500 मीटर्स पर सेकेंड और वो टोटल टाइम जो कि साउंड वेव के सी बेड तक जाने और फिर सी बेड से रिफ्लेक्ट होके वापस शिप तक आने में है, वो है 1.5 सेकेंड्स जो हम यहाँ यूज करेंगे। डिस्टेंस आएगा टोटल 2250 मीटर। ये वो डिस्टेंस है जो कि टू वे है, यानी कि साउंड वेव ने शिप से सी बेड तक और सी बेड से वापस शिप तक 2250 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब अगर हम सी बेड की डेप्थ फाइंड करना चाहते हैं तो इसके लिए हम सिंपली डिवाइड करेंगे इस डिस्टेंस को टू से। मीन्स हम वन साइडेड डिस्टेंस की अगर बात करें तो वो आएगा सी बेड की डेप्थ की फॉर्म में, क्योंकि 2250 वो डिस्टेंस है जो साउंड वेव के सी बेड तक जाने और फिर सी बेड से वापस शिप तक आने में ट्रेवल हुआ है। तो हम सिंपली इस डिस्टेंस को टू से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1125 मीटर। ये है डेप्थ ऑफ सी, सो रिजल्ट आएगा डेप्थ ऑफ द सी इज 1125 मीटर्स। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम 11.6। अ स्टूडेंट क्लैप्ड हिज हैंड्स नियर अ क्लिफ एंड हर्ड द इको आफ्टर 5 सेकेंड्स। एक स्टूडेंट ने एक क्लिफ के सामने, एक पहाड़ी के सामने, आप कहने एक चट्टान के सामने क्लैपिंग की है और क्लैपिंग के 5 सेकेंड्स के बाद उसे इको सुनाई देती है। वट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द स्टूडेंट इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज टेकन एज 346 मीटर्स पर सेकेंड। हमने सिंपली स्टूडेंट का क्लिफ से डिस्टेंस फाइंड करना है अगर स्पीड ऑफ साउंड 346 मीटर्स पर सेकेंड हो। सिंपली स्टूडेंट ने क्लैपिंग की है, क्लैपिंग से जो साउंड प्रोड्यूस हुई है वो साउंड स्टूडेंट से ट्रेवल करते हुए क्लिफ तक गई है। क्लिफ इस साउंड को रिफ्लेक्ट बैक करेगी तो फिर साउंड वापस आएगी टुवर्ड्स द ईयर्स ऑफ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ने क्लैपिंग के 5 सेकेंड्स के बाद इको सुनी है, यानी इसका मतलब है कि साउंड वेव क्लैपिंग के बाद स्टूडेंट से क्लिफ तक और फिर क्लिफ से वापस स्टूडेंट तक 5 सेकेंड्स में आई है आफ्टर रिफ्लेक्शन। हमने दोबारा से प्रीवियस न्यूमेरिकल की तरह सेम स्ट्रेटेजी यूज करनी है। वी हैव स्पीड ऑफ साउंड 346 मीटर्स पर सेकेंड, वी हैव टोटल टाइम 5 सेकेंड्स एंड वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द स्टूडेंट। हम दोबारा से s इज इक्वल टू वी टी फॉर्मूला यूज करेंगे, स्पीड की वैल्यू पुट करेंगे, टाइम की पुट करेंगे, आंसर आएगा 1730 मीटर्स। ये वो टोटल डिस्टेंस है जो कि साउंड के क्लिफ तक जाने और क्लिफ से वापस स्टूडेंट तक आने में कवर हुआ है। अगर हम सिंपली स्टूडेंट और क्लिफ के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं तो हम इस डिस्टेंस को टू से डिवाइड करेंगे जो अभी हमने कैलकुलेट किया है। तो हम सिंपली 1730 को डिवाइड करेंगे 2 से, आंसर आएगा 865 मीटर्स। सो रिजल्ट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द स्टूडेंट इज 865 मीटर्स। नेक्स्ट वी हैव 11.7 प्रॉब्लम। अ शिप सेंड्स आउट अल्ट्रासाउंड दैट रिटर्न्स फ्रॉम द सी बेड एंड इज डिटेक्टेड आफ्टर 3.42 सेकेंड्स। अगेन सेम प्रॉब्लम है, सेम स्ट्रेटेजी यूज होगी।
एक शिप अल्ट्रासाउंड सेंड कर रही है सी बेड तक, और वो सी बेड से रिफ्लेक्ट बैक होके आ रही है 3.42 सेकंड्स में, यानी कि अल्ट्रासाउंड के सी बेड तक जाने और फिर सी बेड से वापस शिप तक आने में 3.42 सेकंड्स लगे हैं। इफ द स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड थ्रू वाटर इज 1531 मीटर्स पर सेकेंड, वट इज द डिस्टेंस ऑफ द सी बेड फ्रॉम द शिप। स्पीड ऑफ साउंड गिवन है, यानी कि अल्ट्रासाउंड की स्पीड गिवन है जो कि 1531 मीटर्स पर सेकेंड है। हमने सिंपली शिप का सी बेड से डिस्टेंस फाइंड करना है, तो समहाउ ये डेप्थ ऑफ द सी ही है, यानी डेप्थ ऑफ दैट पॉइंट है जिस पॉइंट तक साउंड वेव जा रही है, अल्ट्रासाउंड जा रही है और जहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है। सो वी हैव स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड 1531 मीटर्स पर सेकेंड, वी हैव टोटल टाइम 3.42 सेकेंड्स, हमने डिस्टेंस ऑफ सी बेड कैलकुलेट करना है फ्रॉम द शिप, या इन द सेंस हम कह सकते हैं हमने डेप्थ ऑफ सी बेड कैलकुलेट करनी है। हम दोबारा से वही फॉर्मूला यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू वी इंटू जी, स्पीड को मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से, वी विल हैव डिस्टेंस 5236 मीटर्स। अब ये वो डिस्टेंस है जो कि अल्ट्रासाउंड का शिप से सी बेड और सी बेड से वापस शिप तक आने में कवर हुआ है। अब अगर हम सी बेड की डेप्थ फाइंड करना चाहते हैं या सी बेड का डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं फ्रॉम द शिप, तो उसके लिए हम इस डिस्टेंस को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करके आंसर आएगा 2618 मीटर्स। सो रिजल्ट इज द डिस्टेंस ऑफ सी बेड फ्रॉम द शिप इज 2618 मीटर्स। नेक्स्ट वी हैव 11.8 प्रॉब्लम। द हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी साउंड ह्यूमंस कैन हियर इज अबाउट 20,000 हर्ट्स। हाइएस्ट ऑडिबल फ्रिक्वेंसी फॉर ह्यूमन इज 20,000 हर्ट्स, ये रेंज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वट इज द वेवलेंथ ऑफ साउंड इन एयर एट दिस फ्रिक्वेंसी एट अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। सिंपली 20 डिग्री सेल्सियस पे हमने इस फ्रिक्वेंसी के लिए साउंड वेव की वेवलेंथ फाइंड करनी है, यानी अगर कोई साउंड वेव है जिसकी फ्रिक्वेंसी है 20,000 हर्ट्स, हमने उसकी वेवलेंथ फाइंड करनी है एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। ये फ्रिक्वेंसी ह्यूमन ऑडिबल रेंज में है। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लोएस्ट साउंड्स वी कैन हियर ऑफ अबाउट 20 हर्ट्स। इसके अलावा एक और साउंड गिवन है जिसकी फ्रिक्वेंसी है 20 हर्ट्स, ये वो लीस्ट फ्रिक्वेंसी है जो ह्यूमन ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज में आती है, तो हमने इस साउंड की फ्रिक्वेंसी को यूज करते हुए इसकी वेवलेंथ फाइंड करनी है, अगेन एट 20 डिग्री सेल्सियस, और इसके लिए हमारे पास स्पीड है 343 मीटर्स पर सेकेंड। तो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर समहाउ रूम टेम्परेचर के करीब ही है, तो ऐसे जिसमें टेम्परेचर का हम लिंक यूज नहीं करेंगे क्योंकि रूम टेम्परेचर के करीब ही है। हमारे पास स्पीड है 343 मीटर्स पर सेकेंड, दोनों का टेम्परेचर सेम है, दैट्स वाई दोनों के लिए स्पीड सेम रहेगी 20 डिग्री सेल्सियस पे, दैट इज 343 मीटर्स पर सेकेंड। एक की फ्रिक्वेंसी है 20,000 हर्ट्स और एक की फ्रिक्वेंसी है 20 हर्ट्स। हमने इन दोनों वेव्स की वेवलेंथ फाइंड करनी है, दोनों वेव्स ह्यूमन ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज में है, स्पीड इनकी गिवन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हाईएस्ट ऑडिबल फ्रिक्वेंसी F1 20,000 हर्ट्स, लोएस्ट ऑडिबल फ्रिक्वेंसी F2 20 हर्ट्स, स्पीड ऑफ साउंड इज गिवन दैट इज 343 मीटर्स पर सेकेंड। हमने हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी की वेवलेंथ फाइंड करनी है और लोएस्ट फ्रिक्वेंसी की फाइंड करनी है, दैट्स व्हाई वी हैव मेंशनड लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। ये वेव इक्वेशन हम यूनिट नंबर 10 में ड्राइव कर चुके हैं, दैट इज v इज इक्वल टू f लैम्डा, f इज द फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज द वेवलेंथ एंड v इज द स्पीड ऑफ वेव। तो यहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं वेवलेंथ को, दैट्स व्हाई हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, लैम्डा को इस साइड पर रहने देंगे, v को f से डिवाइड करेंगे, वी विल हैव लैम्डा 1 इज इक्वल टू v ओवर f1। स्पीड दोनों के लिए सेम है, 20 हर्ट्ज वेव के लिए भी और 20,000 हर्ट्ज वेव के लिए भी, दैट्स व्हाई यहाँ पे हम v1 v2 यूज नहीं करेंगे, लेकिन दोनों की फ्रिक्वेंसी डिफरेंट है, वेवलेंथ डिफरेंट है, दैट्स व्हाई हम यूज करेंगे f1 f2 lambda 1 lambda 2। यहाँ पे सिंपली हम स्पीड की वैल्यू पुट करेंगे, फर्स्ट फ्रिक्वेंसी हमारे पास 20,000 हर्ट्ज, उसे पुट करेंगे, डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 0.01715 मीटर, और अगर हम इसे 10 की पावर में लिखे यानी साइंटिफिक नोटेशन में लिखे तो हमारे पास आएगा 1.7 × 10⁻²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 ⁻####फ्रिक्वेंसी वेव। नेक्स्ट हम यूज करेंगे सेम फॉर्म फॉर द 20 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी वेव, v इज इक्वल टू f2 lambda 2, इसको सेपरेट करेंगे फॉर lambda 2, lambda 2 इज इक्वल टू v ओवर f2, v की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 343 डिवाइडेड बाय f, तो f हमारे पास है अब 20 हर्ट्ज, डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 17.15 मीटर।
So this is the वेवलेंथ ऑफ 20 हर्ट्स साउंड वेव. तो जो हमारे पास 20,000 हर्ट्स वाली साउंड वेव थी उसकी वेवलेंथ है 1.7 × 10^-2 और जो 20 हर्ट्स की साउंड वेव थी उसकी वेवलेंथ है 17.15 मीटर. तो यहाँ पे हमने ये ऑब्जर्व किया कि अगर फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा है तो वेवलेंथ बहुत कम है, और अगर फ्रिक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ ज्यादा है. अब रिजल्ट आएगा, द वेवलेंथ ऑफ 20,000 हर्ट्स साउंड वेव इज 1.7 × 10^-2 मीटर एंड दैट ऑफ 20 हर्ट्स साउंड वेव इज 17.2 मीटर. यहाँ पे हम इसको राउंड ऑफ करके अप्रोक्सीमेट लिखेंगे 17.2 मीटर्स. एट दी एंड वी हैव प्रॉब्लम 11.9. अ साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलो हर्ट्स. किलो यहाँ पे प्रीफिक्स है, अगर हम इसको ओपन करें तो बनेगा 2,000 हर्ट्स. एक साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 2,000 हर्ट्स एंड वेवलेंथ इज 35 सेंटीमीटर्स. हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर्स. हमने वो टाइम कैलकुलेट करना है जो ये साउंड वेव लेगी 1.5 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए. वी हैव फ्रिक्वेंसी 2 किलो हर्ट्स, इसको हम 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, किलो को यूज करेंगे यहाँ पे प्रीफिक्स को, तो आएगा 2,000 हर्ट्स. वेवलेंथ है 35 सेंटीमीटर, इसे हम 100 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 0.35 मीटर्स. उसके बाद हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, तो डिस्टेंस है 1.5 किलोमीटर, तो किलो को हम चेंज करेंगे, किलो यहाँ पे प्रीफिक्स है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग 1,000. तो हम 1.5 को 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 1,500 मीटर. सो हमने इन तमाम पैरामीटर्स को ऐसे यूनिट में कर लिया है. फ्रिक्वेंसी 2,000 हर्ट्स है, वेवलेंथ 0.35 मीटर है और डिस्टेंस है 1,500 मीटर. अब हमने वो टाइम कैलकुलेट करना है जो ये वेव लेगी 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए. स्टूडेंट्स, अगर हम टाइम की कैलकुलेशन की बात करें तो टाइम हम कैलकुलेट कर सकते हैं एस इज इक्वल टू वी इंटू टी फॉर्मूला से. लेकिन अगर हम इस फॉर्मूला को डायरेक्टली यूज करते हैं तो हमारे पास अभी स्पीड नहीं है, तो पहले हमें स्पीड कैलकुलेट करना होगी, उसके बाद हम इस फॉर्मूला के थ्रू टाइम कैलकुलेट करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज वेव इक्वेशन. वी इज इक्वल टू एफ लेमडा, एफ की वैल्यू है 2,000, लेमडा की है 0.35, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास स्पीड आएगी 700 मीटर्स पर सेकेंड. अब स्पीड की वैल्यू हम एस इज इक्वल टू वी इंटू टी इस फॉर्मूला में यूज करेंगे और टाइम कैलकुलेट करेंगे. हमारे पास टोटल डिस्टेंस है 1,500 मीटर्स. अगर हमारे पास स्पीड हो तो हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं. स्पीड हमने कैलकुलेट कर ली है फ्रॉम द वेव इक्वेशन. अब हम इस फॉर्मूला को रीअरेंज करेंगे, टी इज इक्वल टू एस ओवर वी, एस इज 1,500, वी इज 700, दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 2.14 सेकेंड्स. 2.14 सेकेंड्स वो टाइम है जो वेव लेगी 1.5 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए. सो रिजल्ट इज द साउंड वेव विल टेक 2.1 सेकेंड्स टू ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर्स. दैट्स इट फ्रॉम टुडे स्टूडेंट्स. होप सो आपको आज का लेसन अच्छे से समझ आया होगा. आपने इन प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करनी है, इनको फिजिक्स की नोटबुक पे नोट करना है. गुड लक, अल्लाह हाफिज.